दोस्तों, तो ये है हुंडई वेन्यू का 1.2 एस वेरिएंट, पेट्रोल वेरिएंट। काफी सुंदर लगती है ये गाड़ी। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के इंजन से। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का इंजन। सो दिस इज द इंजन बे, द वेरी पावरफुल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। और बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ये BS6 पेट्रोल इंजन है जो अब ज़्यादा एफिशिएंट है मुकाबले BS4 इंजन के। इसको करते हैं बंद और देखते हैं अब गाड़ी का वॉकअराउंड। सामने की तरफ से शुरुआत करते हैं। तो ये रहे इसके ऑल डिफरेंट हैलोजन हेडलैम्प्स। ये एस वेरिएंट है, इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और ऊपर की तरफ आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। टॉप मॉडल में यहीं पर DRLs मिलते हैं। और ये रहे आपके हेलोजन हेडलैम्प्स, इसमें आपको फॉग लैम्प्स के लिए जगह भी मिलती है। और ये सिल्वर इंसर्ट्स के साथ आपको देखने को मिलेगी सामने की स्किड प्लेट, जो गाड़ी को काफी स्पोर्टी लुक दे देती है। बीच में नंबर प्लेट और ये सिल्वर फिनिश के साथ सामने की ग्रिल काफी इंप्रेसिव लगती है। और बीच में ये हुंडई की बैजिंग, सामने की प्रोफाइल काफी शानदार। और देखते हैं अब गाड़ी के व्हील्स। तो इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 15 इंच के स्टील रिम व्हील्स और इन पे आपको व्हील कैप्स। आफ्टर मार्केट लगवाने की जरूरत नहीं है, ये आपको स्टॉक मार्केट मिलते हैं। और सामने की ब्रेक्स की बात करें तो आपको सामने डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। व्हील साइज की बात करें तो 15 इंच के हैं ये, और व्हील प्रोफाइल आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। और एस वेरिएंट में आपको साइड क्लैडिंग्स जो हैं वो ब्लैक कलर्ड मिलती हैं, जो गाड़ी को काफी स्पोर्टी लुक दे देती हैं। अब देखते हैं फेंडर पर। तो फेंडर पर आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स, और टॉप वेरिएंट में यही चीज आपको ORVMs में मिलती है। ORVMs की बात करें तो ये बॉडी कलर के साथ ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। उसके बाद फिर जो दो ट्रिम्स हैं वो आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। उसके बाद फिर ए प्रोफाइल की बात करें तो ए प्रोफाइल आपको ब्लैक मिलती है, बी प्रोफाइल भी ब्लैक मिलती है। और ये रहा गाड़ी का साइड लुक, काफी शानदार लगती है ये गाड़ी। ये आपको खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए वो चीजें भी जानेंगे गाड़ी के ओनर से। और उसके पहले देखते हैं गाड़ी पीछे से कैसी लगती है। तो ये रहा गाड़ी का रियर लुक। ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉप प्रोफाइल बताऊं तो ऊपर आपको लगा मिलता है एंटीना, क्योंकि इसमें इनबिल्ट म्यूजिक प्लेयर मिलता है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है आपको। उसके बाद फिर यहाँ पर हुंडई की बैजिंग और वेन्यू की एम्बोसिंग, जो काफी एलिगेंट लगती है, बहुत सही लगती है मुझे। और यहाँ पर पीछे नंबर प्लेट के लिए जगह और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं आपको। और टेल लैंप्स की बात करें तो बॉक्सी लुक के साथ इसमें टेल लैंप्स मिलते हैं आपको। और यहाँ पर आपका टर्न इंडिकेटर है और जो रिवर्स पार्किंग लाइट है वो यहाँ पर दी गई है। गाड़ी का बूट, तो ये रहा 350 लीटर का बूट स्पेस जिसमें मैं भी बन सकता हूँ, इतना बड़ा ये बूट स्पेस है, काफी शानदार बूट स्पेस। और यहाँ पर गाड़ी का स्पेयर किट, टूल किट और अंडर बॉडी आपको मिलता है, स्पेयर व्हील स्टील रिम व्हील के साथ ही मिलता है ये भी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं की गई है, ये भी 15 इंच का ही स्पेयर व्हील है। और यहाँ पर देखें तो आपको मिलती है लाइट्स भी फॉर कन्वीनियंस इन द बूट स्पेस। और इसमें आपको इनबिल्ट पार्सल ट्रे भी मिलती है। इसको कर देते हैं बंद और वापस से चलते हैं सामने की तरफ। और अब देखते हैं कि गाड़ी में पीछे की सीट्स कैसी दिखती हैं। तो इसमें आपको मिलती हैं ब्लैक कलर्ड फैब्रिक कुशन सीट्स, बकेट सीट्स मिलती हैं, इसमें आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है और फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है। गाड़ी की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और देखते हैं गाड़ी के गेट पर आपको क्या चीज़ें ऑन ऑफर हैं। तो ये भी ब्लैक कलर्ड गेट है, काफ़ी प्रीमियम दिखता है ब्लैक कलर्ड गेट। और ये सिल्वर ट्रिम के साथ डोर ओपनर, और यहीं पर गाड़ी का लॉक भी है, मतलब डोर लॉक भी दिया गया है। यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल, ग्रैब हैंडल और नीचे आपको एक स्पीकर भी दिया गया है, साथ ही यहाँ पर 1 लीटर का बॉटल होल्डर भी दिया गया है। इसके बाद देखते हैं गाड़ी के साथ आपको चाबियाँ कौन सी ऑफर की जाती हैं। तो आपको मिलती है एक रिमोट की और एक सिंपल की मिलती है, जो कि घर पर रखी हुई है। और रिमोट की पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक और बूट एक्सेस करने के लिए बटन मिलती है, साथ ही
एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो अनोइंग आवाज है गाड़ी की लॉक की और अनलॉक की, इसको कैसे बंद किया जाए। तो वो वीडियो जरूर देखना और शेयर भी करना सारे ओनर्स के साथ, हुंडई ओनर्स के साथ, ये आवाज बंद कैसे करें जरूर जाने। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तरफ और देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। वेन्यू एस का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है। ये भी ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ आती है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये इंटीरियर। और अंदर चलें, उससे पहले देखते हैं डोर्स पर आपको क्या चीज़ें ऑन ऑफर मिलती हैं। ड्राइवर डोर पर तो आपको ये सिल्वर ट्रिम के साथ डोर ओपनर मिलता है, साथ ही यहाँ पर लॉक भी दिया गया है। और इसके अलावा डोर पर और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो आपका पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं चारों पावर विंडोज़ के। ड्राइवर की जो विंडो है वो ऑटो डाउन है और ORVM से रिलेटेड भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर एक स्पीकर दिया गया है और सामने की दोनों गेट्स पर ट्विटर्स भी दिए गए हैं। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर AC वेंट और ये यहाँ पर हेडलाइट लेवलर दिया गया है। नीचे आप पेडल्स देख सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर और करूँगा बाकी बातें वहीं से। चाबी लगा ली है, गाड़ी को बूट अप कर लिया है, तो ये रहा इसका बहुत ही स्पोर्टी लगने वाला स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और MID। यहाँ पर आप रेव मीटर देख सकते हैं, मैक्सिमम ये 8000 तक जाता है, मतलब पेट्रोल गाड़ी है। इस तरफ देखें तो ये MID दिया गया है जो ट्रिप मीटर दिखाएगा, दो ट्रिप मीटर, गाड़ी कितना माइलेज दे रही है ये चीज़ें दिखाएगा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ये शो करेगा। साथ ही फ्यूल लेवल भी यहीं पर है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल्स दिए गए हैं और लेफ्ट साइड देखा जाए तो यहाँ पर वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें रियर डिफॉगर भी आता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं क्योंकि इसमें इनबिल्ट म्यूजिक प्लेयर आता है। और इसके अलावा आप यहाँ से कॉल के लिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में हॉर्न दिया गया है और यहाँ पर एयरबैग भी दिया गया है और ये डुअल टोन के साथ स्टीयरिंग व्हील काफ़ी सुंदर लगता है। और एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। टेलीस्कोपिक आप एक्सपेक्ट मत करिए क्योंकि ये छोटी गाड़ी है, काफ़ी उसकी ज़रूरत बनती भी नहीं है। यहाँ पर है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, ऑक्स, USB को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर AC के वेंट्स जो कि सिल्वर ट्रिम के साथ दिए गए हैं, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर भी एक एयरबैग दिया गया है और यहाँ पर ग्लव बॉक्स खोल कर देखें तो यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलता है। साथ ही आप बीच में देखें तो यहाँ पर है हजार्ड की लाइट, उसके नीचे देखें तो यहाँ पर है AC से रिलेटेड कंट्रोल्स, मैनुअल AC, और यहाँ पर डिफॉगर के लिए भी बटन दी गई है। यहाँ पर नीचे ऑक्स और 12V का सॉकेट, ये रहा इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स। और इसके बाद फिर और पीछे देखें तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैंड ब्रेक दिया गया है और इस वेरिएंट में आपको फिक्स्ड आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पर हमने अपना एयर प्योरीफायर रख रखा है जो कि आफ्टर मार्केट एयर प्योरीफायर है, आयोनाइजर है ये। और सीट्स की बात करें तो काफ़ी सुंदर सीट्स, ब्लैक कलर्ड फैब्रिक सीट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनड हैं और बकेट सीट्स हैं विथ स्प्लिट हेडरेस्ट ये आती हैं। इसके अलावा जो ORVMs हैं वो इंटरनली एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल नहीं है इलेक्ट्रिकली। बीच में बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलता है। और इसके बाद फिर सनवाइजर्स की बात करें तो इसमें को ड्राइवर साइड सनवाइजर पर आपको एक वैनिटी मिरर भी मिलता है। और ड्राइवर साइड सनवाइजर को देखें, उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप माइक दिख रहा होगा आपको, और ड्राइवर साइड सनवाइजर पर आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा। इन सनवाइजर्स के बारे में एक बात बताऊं तो ये काफ़ी हार्ड हैं, बाकी गाड़ियों के जो मैंने देखे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, इसके काफ़ी हार्ड हैं ये जो सनवाइजर्स हैं। और इसके अलावा बीच में देखें तो यहाँ पर आपको केबिन लाइट भी देखने को मिलेगी। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी का वॉकअराउंड कंप्लीट होता है और अब हम जानते हैं गाड़ी के ओनर से कि उन्हें यही गाड़ी क्यों परचेस करी। ऐसे बहुत सारे मेरे भी सवाल हैं, हो सकता है आपके भी रहे हों, तो चलिए अब सीधे बात करते हैं ओनर से। तो आज हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर शिवांश भाई भी हैं, तो इनसे कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं कि भैया ये गाड़ी आपको कैसी लगी और मतलब जहाँ से आपने खरीदी है उनके साथ आपका इंटरेक्शन, उनका रिस्पांस कैसा रहा, ये सारी चीज़ें तो बनती हैं। तो भैया मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर के लिए, वो ये है कि यही गाड़ी क्यों, बजट में और भी गाड़ियाँ थी?
नाम नहीं लूंगा पर बहुत सारी हैं और सब में कंपटीशन हाँ, है, कंपटीशन काफी है सब में कि ये ही लूं ये लूं ये लूं। तो वो चीज़ आपने कैसे रिजॉल्व करी और वेन्यू ही फाइनल करी? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा टाइम लगा था किसी डिसीजन पे आने में, क्योंकि इस रेंज में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और सभी में कुछ ना कुछ अच्छा है, अलग है, स्पेशल हाँ. है, मतलब कोई चीज़ है जो शायद वेन्यू में नहीं है लेकिन उसमें है, इसी हाँ, बजट में आ रही हाँ, है हाँ. तो प्रॉब्लम तो काफ़ी हुई, लेकिन मैं सबसे पहले गया एक्सपर्ट एडवाइस पे. मेरे मामा की जैसे शॉप है तो अच्छा, वो काफी हाँ, एक्सपर्ट है, उनका एक्सपीरियंस हाँ, बहुत ज्यादा है. ओके ओके. वो रीसेल भी करते हैं गाड़ियाँ हाँ, तो हाँ, इन सब का एक्सपीरियंस अच्छा था. उन्होंने बताया था मुझे कि वेन्यू पर रिसर्च करो. अच्छा. तो मैंने रिसर्च किया हाँ, फिर एक दिन मैं शोरूम पे भी आया तो गाड़ी एक तो प्रीमियम फील देती है इस बजट में और लुक्स वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है, एसयूवी कैटेगरी में आती है और बहुत अच्छी बात इसकी, और इंटीरियर बहुत अच्छा है, कम्फर्टेबल है गाड़ी, जैसे आप चलाओ तो सस्पेंशन एंड ऑल एवरीथिंग इज रियली गुड. ओके चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड था कि भैया क्या चीज़ें रही हैं जो इस गाड़ी को लेने के लिए आपको मजबूर करा उसने, मतलब किस किन चीज़ों ने अट्रैक्ट करा? तो वो आपने बताया कि प्रीमियम लगा, तो हुंडई हर कोई लेता ही इसलिए है कि भाई चीज़ प्रीमियम मिले हाँ, और ब्रांड ट्रस्ट हाँ, ये भी है, बिल्कुल है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर्विस एंड ऑल. सबसे अच्छी चीज बजट में आ रही थी मेरे नहीं, इन सही में बजट में आ रही थी वो मेरे. और लुक्स तो हैं ही, फ्यूचरिस्टिक तो हैं थोड़े से और काफी अच्छे हैं, एसयूवी वाली फील देती है. और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा डीलरशिप से रिलेटेड रहेगा कि आपने ये गाड़ी सुरजीत हुंडई भोपाल से ली है, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन और उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए ज्यादातर मेरा इंटरेक्शन फोन पे ही हुआ है. ओके. फिर एक बार भैया गए, उन्होंने डील करी हाँ, तो ओवरऑल अच्छा था. मैं जैसे ही शोरूम में गया उन्होंने बोला कि सर अगर आप जल्दी में हैं तो 10 मिनट्स में गाड़ी रेडी है, आप 10 मिनट्स में बस आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए और आप 10 मिनट्स में पूजन करके ले जा सकते हैं. ओके. बोल दो, मैं इतनी जल्दी में नहीं था बट द सर्विस इज लाइक सुपर फास्ट, इतनी जल्दी कौन देता है गाड़ी और मेरी जानकारी में तो एक घंटे आधे घंटे कम से कम बैठना पड़ता है, पेपर आराम से नहीं, उसने उन्होंने सब कुछ रेडी करके रखा था हाँ, एकदम रेडी था, बस जाइए और गाड़ी ले लिए आपकी. दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये चीज बहुत मुश्किल से मिल पाती है और मिली है, ये बहुत गजब बात है. तो हो ही जाता है, अब वो कहीं पेपर वर्क छूट जाता है, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, पर उनकी माननी पड़ेगी ये बात कि उन्होंने इतने परफेक्टली हर चीज़ करी रेडी. तो बस, और कुछ अगर कोई बायर पसंद कर रहा है इस गाड़ी को तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, लें नहीं लें, किन बातों का ध्यान रखें लेते समय? फॉर मी डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. बट आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस कौन सा वाला प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो लोग जैसे अपन बार्गेनिंग करते हैं तो बार्गेनिंग के टाइम पे अपन बार्गेनिंग तो कर लेते हैं लेकिन कई बार अपन पूछते नहीं है कि एसेसरीज क्या है, और एसेसरीज पूछ भी ली तो इंश्योरेंस का ज़्यादा पता नहीं होता है. तो मुझे लगता है कि आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो होगा या फ्रेंड्स में जिसको ज़्यादा आइडिया हो, तो वो ठीक से बताएगा कि जीरो डेप्थ वाला होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए, एक साल वाला, तीन साल वाला, तो इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी. ओके. वरना इसमें बेवकूफ़ बना देते हैं वो लोग, सही में बना देते हैं. चलिए, इसको क्रॉप नहीं किया जाएगा, ये बात होना ज़रूरी थी. और मतलब आप फेयर टॉक रखिए डीलरशिप के साथ, आपका जो सेल्स वाला है उसके साथ, और मतलब प्रॉपर टॉक रखिए, ये नहीं कि झिझक के कि ये चीज़ हम नहीं पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं, हर चीज़ पूछिए, प्रॉपर टॉक रखिए, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करिए और फिर गाड़ी लीजिए और हमारे साथ शेयर करिए, अपनी भी गाड़ी फीचर करवाइए. बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बस, क्योंकि आशीष ऐसी वीडियोस बनाता रहता है. अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं किसी नए वीडियो में.